हाय गाइस, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के जो 7 स्टील कंपनीज है उनका टाटा स्टील में मर्जर होने वाला है। तो इस मर्जर का आप पे इम्पैक्ट क्या होगा एज ए इन्वेस्टर, एंड ओवरऑल टाटा ग्रुप की सोच क्या है वो क्या, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्टर हो। सो अपने को पता होना चाहिए कि जो अपनी कंपनी है उनकी सोच क्या है और अपन किस पर्पज़ से उस कंपनी में आए हैं, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो ये है टाटा ग्रुप की 7 कंपनी जो आपके सामने हैं। ओके, इन सब का मर्जर हो रहा है इनटू टाटा स्टील। तो बेसिकली टाटा, इनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि टू गेट द सिनर्जी बेनिफिट, टू एलिमिनेट अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एडमिन वर्क एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये 3 रीजन की वजह से उन्होंने इसका मर्जर किया है। रिसेंटली लास्ट 4 to 5 ईयर्स में मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ, टाटा ग्रुप ने काफ़ी कंसोलिडेशन किया है। मतलब डे बाय डे, मतलब ईयर बाय ईयर दे आर रिड्यूसिंग द कंपनीज, ताकि उसका मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। 10 कंपनी चलने से अच्छे कि आप एक ही कंपनी चलाओ बट उसको अच्छे स्केल पर लेके जाओ एंड गेट द इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो दिस इज द मोटिव ऑफ टाटा ग्रुप एंड ये रियली डेफिनेटली काम करेगा कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। You have to consolidate so that you can minimize the cost, increase the efficiency and you have to increase speed also. तो ये सब करने के लिए उन्होंने ये मर्जर अनाउंस किया है। तो देखते हैं अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, ये लिंक क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डिमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग एंड यू कैन एन्जॉय एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। जैसे फ्लैट ब्रोकरेज ₹20 है फॉर इंट्राडे, स्मार्ट एपीआई है, then you can have discussion with the expert person if you want any personalized advisory. So there are n number of benefits available. तो इस app को download कीजिए immediately और ये free है, कोई charges नहीं है। अगर आपका कोई और भी app है तो there is absolute no problem, मैं आपसे request करूँगा कि आप एक week उसको use करके देखिए। And there are lot many features which will really help you and Angel Broking is a full service broker, it's not a discount broker. तो आपको सभी services एक जगह पर मिल जाती है and 1 year का AMC भी free है, अकाउंट खोलना है फ्री है। तो रुके मत, फटाफट क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तब तक ना टाटा ग्रुप का जो 5S स्ट्रेटजी है, व्हाट इज 5S स्ट्रेटजी? सिंप्लीफिकेशन, सिनर्जी, स्केल, सस्टेनेबिलिटी एंड स्पीड, ये 5 अचीव करने के लिए उन्होंने ये मर्जर प्रपोज किया है। उनके बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया है, बट अभी मर्जर बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया, बट स्टिल दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम शेयर होल्डर, जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो अदर रेगुलेटर्स है जिसपे इन सब से उनको अप्रूव लेना है, तो उसके बाद वो हो ही जाएगा। बट दिस इज द 5S स्ट्रैटेजी ऑफ टाटा ग्रुप, तो इससे वो डिसीजन क्विक ले पाएंगे, इंटरनल कॉम्पिटिशन में इनडायरेक्टली खत्म हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्लस एक दूसरे के जो पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे किसी कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, किसी का R&D स्ट्रेंथ है, किसी का प्रोडक्शन स्ट्रेंथ है, तो सभी स्ट्रेंथ को अगर अपन एक साथ लेके आएंगे तो टाटा स्टील बिकम अ बिगर ब्रांड एंड मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल ऑल्सो फॉर पीपल। एंड तो डेफिनेटली एज अ शेयर होल्डर इसका अपने को फायदा ही होगा। बट अभी अपने को जानना है कि एज अ शेयर होल्डर हमको शेयर्स कितने मिलेंगे और क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द बेसिक पर्पज वही है कि हमको एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करना है एंड एफिशिएंसी बढ़ाना है। बट ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर को भी सामने रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये सब सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया गया है। नाउ अभी ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है कि टाटा स्टील वर्सेस TRF, करेक्ट ना? तो 17 शेयर्स मिलेंगे आपको टाटा स्टील के, अगर आपके पास TRF के कितने शेयर से 10 शेयर से, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर तो 10 के लिए 17 मिलेंगे। दूसरा TSPL, उसके अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको 67 शेयर्स मिलेंगे टाटास के। देन तीन प्लेट के अगर 10 शेयर्स है तो आपको 33 मिलेंगे, देखो कितना बड़ा रेशो है। एंड टाटा मेटलिक्स के 10 है तो आपको टाटा स्टील के 79 शेयर्स मिलेंगे। मतलब आप सोचो, एज अ शेयरहोल्डर ऑफ दिस कंपनीज यू आर गेटिंग शेयर्स ऑफ टाटा स्टील, जिसमें डिविडेंड भी आपको आगे अच्छा मिलेगा और ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि सिनर्जी बेनिफिट मिल रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा काम करने का, क्योंकि सभी लोग एक साथ आके भी काम करेंगे जैसे अलग अलग होते हैं। एंड इवन फॉर टाटा ग्रुप मैनेज करना भी काफ़ी इजी हो रहा है। तो बेसिक पर्पस व्हाट आई फाइंड इज टू गेट सिनर्जी बेनिफिट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट,
and reduce duplication of administrative work. Now, अभी मैंने जैसे आपको स्टार्ट में कहा था कि टाटा ग्रुप ने 2019 से ऐसे ही किया है. मैंने आपको यहाँ पे जस्ट डेटा दिया है कि 116 उनके एसोसिएट एंटिटी थे जो उन्होंने 72 कर दिए. ओके, देखो दिया है 2019 टाटा स्टील हैज रिड्यूस 116 एंटिटीज, मतलब टोटल 116 एंटिटी उन्होंने एसोसिएट एंटिटी क्या कर दिया, कम कर दिया है. तो उसमें 72 सब्सिडीज को बंद कर दिया, 22 एसोसिएट जेवीज हैज बीन एलिमिनेटेड एंड 24 कंपनीज आर अंडर लिक्विडेशन. तो उनका ये फंडा ही रहा है कि जिससे अपने को कंपनी मैनेज करने के लिए आसान हो. तो एज अ शेयर होल्डर डेफिनेटली इसका आपको फायदा होगा बिकॉज यू आर गेटिंग शेयर्स ऑफ टाटा स्टील. ऑब्वियसली कंपेयर टू प्रीवियस कंपनी ये तो बिगर ब्रांड है, तो नथिंग टू वरी फॉर द शेयर होल्डर. बस आगे जाके आपको देखना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है जो मर्ज कंपनी का है. एंड स्टिल देर आर मेनी अप्रूवल्स आर पेंडिंग, जैसे मैंने कहा कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, रेगुलेटर से अप्रूवल लेना है, तो उसके बाद ये. और ये आई थिंक 7 कंपनी का मर्जर है, बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बट ये होने के बाद डेफिनेटली शेयर होल्डर को फायदा होगा. सो आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.